أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear SLS students, welcome to the online class of mathematics 7th class. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे. आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है. आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है ना वो स्टार्ट करनी है. तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सिंपलीफाई बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इन टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, हमने जो है ना वो एक्सपोनेंट लॉ जो है वेरीफाई करवाना है. हमारे पास पहला सवाल है -4 होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाई -4 होल पावर 6. ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहता है? ठीक है, हमारे पास जब बेसिस लेकिन जिसकी पावर होती है, ठीक है, लाइक दिस वन, ये हमारे पास जो है -4 बेस है और 5 इसकी क्या है आपके पास पावर होगी. ठीक है, और ये -4 बेस है और 6 क्या होगी पावर. अगर आप देख लें कि -4 और ये -4 जो है ये दोनों क्या है आपके पास बेसिस है. ठीक है, ये दोनों बेसिस हैं और बेसिस बिल्कुल इक्वल हैं. कि जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल इक्वल होती हैं तो हमने जो है उनकी जो पावर्स होती हैं वो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. ठीक है, आपने इस चीज़ को याद रखना है कि हमारे पास जब बेसिस इक्वल होती हैं, यानी कि बेसिस जो हैं हम उसको 1 times लिखेंगे. ठीक है, हमारे पास बेसिस बहुत सेम हैं. ठीक है, बहुत बेसिस आर सेम, हम उनको जो है ना वो 1 time हमने राइट कर दिया. उनकी जो पावर्स होती हैं हम उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. ठीक है, और ये कब होता है, जब ये दोनों बेसिस, ठीक है, विद पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. ठीक है, ये रूल कब अप्लाई होता है, जब जो बेसिस होती हैं विद पावर आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो. तो बेसिस एक जैसी होंगी तो हम एक टाइम राइट करेंगे बेस को और उनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वल आ जाएगा -4. ठीक है, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 6 इक्वल होता है 11. ठीक है, तो यही आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो आगे हमारे पास सवाल है जी. अब हम पार्ट नंबर जो है वो 3 करते हैं जी. पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, 2/7 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/7 होल पावर 2. ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे. ठीक है, आप देखें बेसिस बोथ जो है वो एक जैसी हैं. ठीक है, आपके पास ये बेस है, इसकी पावर 3 है, ये बेस है और इसकी पावर 2 है. बेसिस एक जैसी हैं तो आपने बेस को 1 times राइट कर लेना है और पावर्स को आपस में ऐड कर लेना. ठीक है जी, पावर्स को हमने आपस में ऐड कर लिया तो अब आपके पास आ जाएगा 2/7 होल पावर 3 + 2 = 5. तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया. ठीक है, जी बच्चों अभी हम पार्ट नंबर 5 करते हैं. पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है, P/10. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय P/10 आपके पास 10 सॉरी Q/10. ठीक है जी, आपके पास आ गया Q/10 आ गया. ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने का देखें, अभी हमारे पास जो बेसिस हैं, ठीक है, ये बेस P है और इसकी बेस क्या है, Q है. बेसिस अलग हैं बट आप देखें कि पावर्स जो हैं वो क्या हैं, बिल्कुल सेम है. ठीक है, बेसिस जो हैं वो अलग अलग हैं और पावर आपके पास क्या है. तो इसको आपको सॉल्व करने का क्या आपके पास मेथड होगा, कि आपने पावर्स एक हैं तो आपने एक ही ब्रैकेट के अंदर बेसिस को क्या कर देना है, राइट कर लेना है और एक दफा उनकी पावर लगा लेनी है. ठीक है, जैसे हमने जब बेसिस एक जैसी होती थी तो हम क्या करते थे कि बेस एक दफ़ा बेस राइट करते थे और पावर्स को आपस में ऐड कर देते थे. अब हमारे पास अगर बेसिस अलग अलग हों और पावर एक जैसी हों तो हम बेसिस को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखें और जो हम पावर को हैं एक ही टाइम क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं. ठीक है, आगे हम चलते हैं. हमारा पार्ट नंबर है जी पार्ट नंबर 7. पार्ट नंबर 7 पे आते हैं. अगेन हमारे पास जी पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, -1/2 होल पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -1/2 होल पावर 5. ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है.
सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना है कि माइनस वन ओवर टू देखें, अब बेसिस क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है, बेसिस एक जैसी हैं, बट आपके पास जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो आपने जो पहले मेथड है वो हमने किया, वही करेंगे, माइनस वन ओवर टू बेस वन टाइम राइट एंड सिक्स प्लस, ठीक है जी, सिक्स प्लस फाइव हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर टू होल पावर सिक्स, सिक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू 11। तो यही आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर जी, अब हम अब हमारे पास जो पार्ट नंबर है वो है पार्ट नंबर 11 देखिए, पार्ट नंबर 11 हमारा पार्ट नंबर 11 है, ठीक है, पार्ट नंबर 11 आपके पास है 11 ओवर 7 होल पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 21 ओवर 22 होल पावर 8, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, अभी आप देखें कि पावर्स क्या हैं, बिल्कुल ये सेम है, बट जो बेस है वो आपके पास क्या है, इक्वल्स नहीं है, सेम नहीं है। तो आपने क्या करना है कि 11 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 21 ओवर 22 को एक ही ब्रैकेट में लिखना है और होल पावर आपने लगा देनी है जी 8, ठीक है बच्चों जी। आगे आप आगे जो है वो हमें इसको सॉल्व करना है अगेन, ठीक है, 11 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 21 ओवर 22 होल पावर 8 है। अब देखिए 11 वन टाइम्स एंड 11 टू टाइम्स 22 आ गया, ठीक है, और 7 वन टाइम एंड 7 थ्री टाइम्स आपके पास क्या आ गया, 21 आ गया, ठीक है। अब हमने जो है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया और होल पावर 8 आ गया, ठीक है जी। आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। अभी जो है ना मैंने इसको काफ़ी सारे पार्ट्स जो है वो मैंने आपको सॉल्व कर दिए, ठीक है, जो बाकी पार्ट्स हैं आपके वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं नीट नोटबुक पर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्या हमने जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से जो है ना वो हमने दोनों जो प्रूफ करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। उसका हम पार्ट नंबर 1 जो है लिखते हैं, पार्ट नंबर 1 क्या है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर 4 इक्वल है 3 पार 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पार 4, ठीक है। तो आपने कोई भी जो है ना सॉल्व करना है इसे, आपने कोई भी जो साइड है वो क्या लेनी है, लेट कर लेनी है आपने, ठीक है। हम कहते हैं कि राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, राइट हैंड साइड इक्वल है 3 पार 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पार 4, ठीक है। तो अब हमारे पास सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा, अभी हमने एक्सपोनेंशियल जो है ना वो लॉ पढ़ा है कि अगर पावर्स जो हैं वो एक जैसी हों और बेसिस अलग अलग हों तो हम बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करवा के पावर वन टाइम राइट कर देते हैं। तो ये देखें, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास आ गई और हमारे पास राइट हैंड साइड जो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, इक्वल आ, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ठीक है, that left hand side equal है right hand side के, ठीक है जी। ये आपके पास आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं पार्ट नंबर, हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर 3 है 2 पार 6 multiply by 2 पार 3, ठीक है जी, इक्वल किसके है 2 पार 9, ठीक है जी।
अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल। हमने कहा था कि बेसिस जब एक जैसी होती हैं हमारे पास, ठीक है, ये टू और टू आपके पास बेसिस हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं बेसिस और एक जैसी होती है तो उनके जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। मीन टू मल्टी सॉरी टू जो है वो वन टाइम इंटरेक्ट करेंगे और इनकी जो पावर्स हैं यानी कि ये सिक्स और ये वाला थ्री, ये आपस में क्या हो जाएंगे, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, टू ऑल बार सिक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू नाइन। तो टू की एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस आ जाएगी। तो यही आपके पास क्या है, आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर जो है हम बी देखते हैं जी। पार्ट नंबर बी क्या कहता है, एट बार फाइव मल्टीप्लाई बाय 8 बार 7, ठीक है, इक्वल है 8 बार 12, ठीक है जी। अब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 8 बार 5 मल्टीप्लाई बाय 8 बार 7, ठीक है जी। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आपको पता है कि बेसिस एक जैसी हों तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो 5 प्लस 7, तो आपके पास आ जाएगा 8, 7 प्लस 5 आपके पास क्या होता है, 12, ठीक है। तो अब आप देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो आप लिख सकते हैं कि हैंस टू दैट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो जो तीन पार्ट्स जो है वो मैंने आपको करवा दिए, टोटल 6 थे, ठीक है। तो जो बाकी तीन है वो आपने खुद से नीट नोटबुक पर जो है ना वो आपने करने हैं, ठीक है। तो यही आपका जो है ना 4.2 एक्सरसाइज जो है वो हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 4.3 करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।